हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट डू डज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मुझे पता है आप में से काफी लोगों ने डू डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में कभी किया ही नहीं होगा, लेकिन मैं आज आपको यहां सिखाने वाला हूं कि आप डू डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में किस केसेस में करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया, मैं गाना गाता हूं तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको मैंने बोला आई सिंग अ सॉन्ग इन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। बट आप यहां देखेंगे मैंने लिखा मैं ही तो गाना गाता हूं, मैंने यहां पर जोड़ दिया खुद पर, नहीं मैं ही तो गाना गाता हूं। इस केस में हम इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डस का यूज सब्जेक्ट अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैंने सेंटेंस बनाया है आई डू सिंग अ सॉन्ग। तो आपने आज तक देखा है कि हम अफर्मेटिव में डू डस का यूज तो करते हैं, बट दोस्तों आप डू डस का यूज भी कर सकते हो इस केसेस में। अगर हिंदी वाक्य में ही तो भी तो आता है, उस केस में हम डू या डज का यूज कर सकते हैं। अब देखो, आप नेक्स्ट सेंटेंस देखेगा, वह क्रिकेट खेलती है, she plays cricket, बट मैंने यहां पे लिखा वो ही तो क्रिकेट खेलती है। इस केस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, सब्जेक्ट क्या हमारे पास है वह, यानी शी के साथ हम यूज करते हैं डज का। तो हम बोलेंगे शी डज प्ले क्रिकेट। अब यहां से हमने एस इसलिए हटा दिया है कि हमने हेल्पिंग ऑफ डज का यूज किया है। दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो देख सकते हैं, वहां मैंने डिटेल में समझाया हुआ है और भी सभी सेंटेंसेस मैंने और टेंसेस मैंने समझाए हुए हैं। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। बाय बाय।